हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरे पास कर्ण के प्रत्येक बाण का, प्रत्येक अस्त्र का उत्तर है। और पहली बार तो हम कर्ण से युद्ध नहीं करेंगे। और कर्ण से कैसा डर भ्राता श्री, कर्ण को हमने कई बार पराजित कर चुके हैं और इस बार भी हम वो सूत पुत्र को पराजित करेंगे। भीमसेन, शत्रु को निर्बल समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया है। उनकी आत्मा को शांति दे। परंतु पांडवों के शिविर में अशांति फैली हुई है। अपने ही हाथों अपने गुरु का वध करके पांडव शांत भी कैसे रह सकते हैं? परंतु अब कौरवों के शिविर का क्या हाल है? कौरवों के शिविर में प्रतिशोध की आग भड़क उठी है और गुरु द्रोणाचार्य का बदला लेने की सौगंध खाई जा रही है। परंतु द्रोणाचार्य के स्थान पर सेनापति किसे बनाया गया है? अंगराज कर्ण को। कदाचित अर्जुन के पास कर्ण के प्रत्येक बाण और प्रत्येक अस्त्र का उत्तर होगा, परंतु कर्ण के पास इंद्र की दी हुई जो अमोघ शक्ति है, क्या उसका उत्तर है अर्जुन के पास? कर्ण के सेनापति बन जाने की खुशी में कौरव सेना शंख बजा रही है। इसी बात का तो डर था। कर्ण से डर? हां, परंतु कर्ण से ज्यादा कर्ण के तुनीर में जो दिव्यास्त्र हैं, उनका डर। राधा श्री, आप अपने मन से यह डर निकाल दीजिए। मेरे पास कर्ण के प्रत्येक बाण का, प्रत्येक अस्त्र का उत्तर है। और पहली बार तो हम कर्ण से युद्ध नहीं करेंगे। और कर्ण से कैसा डर भ्राता श्री, कर्ण को हमने कई बार पराजित कर चुके हैं और इस बार भी हम वो सूत पुत्र को पराजित करेंगे। भीमसेन, शत्रु को निर्बल समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। और कर्ण जैसे शत्रु को तो बिल्कुल निर्बल नहीं समझना चाहिए। कर्ण को हम निर्बल नहीं समझ रहे भ्राता श्री, परंतु हम उससे डरते भी नहीं है। मेरे तुणीर का हर बाण कर्ण से युद्ध करने के लिए तड़प रहा है। कर्ण को भी मुझसे टकराने की बड़ी इच्छा है। मैं इस युद्ध में उस सूत पुत्र की यह अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। हे अर्जुन, हे भीमसेन, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाकर यह मत समझो कि कौरव निर्बल हो गए हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण कौरव के ये तीनों सेनापति भार्गव परशुराम के शिष्य रहे हैं। इसलिए कर्ण के सेनापति बन जाने से कौरव की शक्ति में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि कौरव पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और बलशाली हो गए हैं। ऐसा कहकर आप भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। क्या आप कर्ण को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से शक्ति में बढ़कर समझते हैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैं कर्ण को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से बढ़कर समझता हूं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म इन दोनों में और कर्ण में बहुत बड़ा अंतर है। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के मन में हमारे प्रति ममता थी, परंतु अंगराज कर्ण के हृदय में हमारे लिए केवल घृणा है, द्वेष है। यही घृणा कर्ण को पांडवों के विरुद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से अधिक शक्ति देती है। दुर्योधन अब कर्ण की पांडव दुश्मनी के बल पर हमें पराजित करना चाहता है। जो विनाश पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य न कर सके, वो विनाश अंगराज कर्ण अवश्य कर सकता है। वो हमारा सर्वनाश कर सकता है। इसलिए कर्ण को किसी से भी कम मत समझो। Thank you.
राजमाता, युद्ध भूमि से आया हुआ गुप्तचर आपकी सेवा में उपस्थित है। ठीक है, तुम जाओ। हाँ गुप्तचर, क्या समाचार है? समाचार शुभ नहीं है राजमाता। क्या किसी पांडव को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी पांडव सुरक्षित हैं, परंतु कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया है। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे। परंतु पांडवों के शिविर में अशांति फैली हुई है। शांति हो भी कैसे सकती है? अपने ही हाथों अपने गुरु का वध करके पांडव शांत भी कैसे रह सकते हैं? परंतु अब कौरवों के शिविर का क्या हाल है? कौरवों के शिविर में प्रतिशोध की आग भड़क उठी है और गुरु द्रोणाचार्य का बदला लेने की सौगंध खाई जा रही है। परंतु द्रोणाचार्य के स्थान पर सेनापति किसे बनाया गया है? अंगराज कर्ण को। राजमाता, कर्ण को? हाँ राजमाता। राजमाता प्रणाम। राजमाता प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा खेल खेल रहे हो तुम? मैं जानती हूं किस नाटक के सूत्रधार तुम ही हो, परंतु इस नाटक का ये कैसा अध्याय शुरू कर दिया है तुमने? भाई को भाई का दुश्मन बनाकर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पांचों पांडवों के सामने कर्ण को लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस महायुद्ध को? हे अंतर्यामी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपनी ही कोख से जन्म लिए गए भाइयों के बीच होने वाले इस महायुद्ध को मैं नहीं रोक सकती। मैं नहीं रोक सकती। मैं जानती हूं कि मैं दोषी हूं अपने पुत्रों की, जिन्हें मैं ये भी नहीं बता सकती कि कर्ण और पांडव आपस में भाई भाई हैं, और सबसे अधिक दोषी हूं मैं कर्ण की, जिसे मैं ये भी नहीं बता सकती कि मैं उसकी मां हूं, उसकी अभागी मां। मैं हमेशा इस खेल में पर्दे के पीछे रही और तुमसे भी यही विनती करती रही कि इस रहस्य पर सदा पर्दा डाले रखना। हे प्रभु, अब भी तुमसे यही प्रार्थना है कि मेरी लाज की रक्षा करो। मैं किस मुंह से कर्ण को कहूं कि मैं उसकी मां हूं, और ये भी कि मैंने उसे अपनी कौमार्य अवस्था में जन्म दिया। नहीं प्रभु, नहीं। एक माँ अपने पुत्र के सामने कैसे इतनी निर्लज्ज हो सकती है? कैसे इतनी निर्लज्ज हो सकती है? नहीं प्रभु, नहीं।
दुविधा में मत डालो। मुझे पर्दे के पीछे ही रहने दो, लेकिन लेकिन कर्ण को इतना तो बता दो कि पांडव उसके भाई हैं, ताकि कर्ण के हाथों अपने भाइयों की हत्या का आधार ना हो। हे प्रभु, तुम तो धर्म की रक्षा करने के लिए ही आए हो ना, फिर अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे? कर्ण को ये नहीं बताओगे कि पांडव उसके भाई हैं? कर्ण के हाथों अपने भाइयों की हत्या का आधार मत होने दो प्रभु। कर्ण को रोक लो, कर्ण को यह अधर्म करने से रोक लो प्रभु, रोक लो कर्ण को, कर्ण को यह अधर्म करने से रोक लो, रोक लो। कदाचित अर्जुन के पास कर्ण के प्रत्येक बाण और प्रत्येक अस्त्र का उत्तर होगा, परंतु कर्ण के पास इंद्र की दी हुई जो अमोघ शक्ति है, क्या उसका उत्तर है अर्जुन के पास? नहीं युवराज, अर्जुन के पास इंद्र की दी हुई इस अमोघ शक्ति का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जिस किसी पर भी इस शक्ति का प्रयोग होगा उसका वध अनिवार्य है। मैंने अब तक इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि शक्ति पर मैंने अर्जुन का नाम लिखा है, अर्जुन का। कल मैं सर्वप्रथम अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा और अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करके अपने परम शत्रु अर्जुन का वध करूंगा। यह तुमसे मेरा वचन है मित्र, वचन है। अर्जुन का वध करने के बाद मैं शेष चारों पांडवों को अपने अस्त्रों के प्रभाव से बंदी बनाकर तुम्हारे सामने ले आऊंगा, या उनको भी परलोक पहुंचा दूंगा। मित्र दुर्योधन, मैं कल ही इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा, कल ही, और कल ही पांडवों का विनाश कर दूंगा, संपूर्ण विनाश। अब देखता हूं कि कौन रोकता है मुझे, कौन रोकता है मुझे।